नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 जुलाई मंगलवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। 23 और 24 जुलाई को 40,500 पदों के लिए रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने वाले 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी 21 से 26 जुलाई तक राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री में सफर कर सकेंगे। 2 दिन 4 परीक्षा में होने वाली भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड 17 जुलाई तक जारी होंगे। रीट में नकल रोकने के लिए प्रदेश भर में 1376 परीक्षा केंद्रों की 30,000 से ज्यादा सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी, जिसकी मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग के साथ पुलिस के अभय कमांड सेंटर को भी दी जाएगी। वहीं परीक्षा केंद्र पर पेपर आने से लेकर फिर से पेपर जाने तक के हर पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई जाएगी। इस दौरान नकल रोकने के लिए अभ्यर्थियों को मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। जयपुर में 18 लाख की धोखाधड़ी करने वाले पति पत्नी और बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शेयर मार्केट में अधिक मुनाफा कमाने का लालच देकर धोखाधड़ी की गई। इन्वेस्टमेंट के नाम पर थोड़े थोड़े कर कुल 18 लाख रुपए लिए गए, फिर मार्केट गिराने का बहाना बनाकर रुपए डूबना बता दिया। पीड़ित ने बिल की जांच की तो सभी फर्जी निकले, इसके बाद धोखाधड़ी का पता चला। मामले में पीएन भारद्वाज ने शिप्रापत थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। डीसीपी साउथ योगेश गोयल ने बताया कि शेयर मार्केट में अधिक मुनाफा दिलाने के लिए पहले आरोपी रामरतन बियानी ने 1 लाख रुपए लिए, फिर दूसरे दिन उनको 50,000 रुपए मुनाफा होना बताया, 50,000 रुपए वापस दिए, जिसके संबंध में फर्जी MCX लेजर बिल भेजकर विश्वास में लिया। इसके बाद शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए 18 लाख रुपए ले लिए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 44 वर्षीय रामरतन बियानी, 40 वर्षीय पत्नी दीपा बियानी और 19 वर्षीय बेटी भूमि बियानी को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में रिनाउंड और ट्रस्टेड ब्यूटी पेजेंट एलिट मिस राजस्थान अपने 9वें सीजन के साथ फिर लौट आया है। मॉडलिंग और ग्लैमर इंडस्ट्री में टैलेंट को प्लेटफॉर्म देने के मोटिव से हो रहे इस ब्यूटी और टैलेंट के कंपटीशन ने कई बार राजस्थान का नाम ग्लोरीफाई किया है। इस सीजन से जुड़ी तैयारियों और एलिट मिस राजस्थान के अचीवमेंट्स को लेकर शेयर करते हुए होटल हिल्टन ने अनाउंसमेंट और पोस्टर लॉन्च किया। इस मौके पर डायरेक्टर गौरव गौड़ ने बताया कि इस साल भी हम एक नए चेहरे की तलाश में हैं। इस सीजन के लिए अभी तक 2000 से भी ज्यादा गर्ल्स रजिस्टर कर चुकी हैं। गौरव बताते हैं कि पेजेंट कॉम्पिटिशन के लिए गर्ल्स छोटे छोटे गाँव से निकल कर आ रही हैं, यहाँ तक कि आदिवासी जगहों से भी लड़कियां इस ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेने आ रही हैं। अब नेक्स्ट लेवल पर जल्द ही ऑडिशन प्रोसेस राजस्थान के 4 शहर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में शुरू करेंगी। जयपुर एयरपोर्ट पर बैंकॉक की 3 युवतियों को सोने की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया। इनसे 1 किलो 800 ग्राम सोना जब्त किया गया है। पकड़ा गया सोना 90,43,000 रुपए का है। तीनों युवतियां जयपुर के ज्वेलर के संपर्क में थी। कस्टम विभाग के अफसरों ने बताया कि बैंकॉक से जयपुर एयरपोर्ट पहुंची एयर एशिया की फ्लाइट 131 से 3 युवतियां गोल्ड लेकर आई थी। संदेह होने पर इन युवतियों से पूछताछ की गई। इसके बाद तीनों युवतियों की जांच हुई तो हाथों में गोल्ड के कड़े और गले में चेन पहनी हुई थी। जान से बचने के लिए इन तीनों ने ज्वेलरी कपड़ों से ढक रखी थी। जब गोल्ड को लेकर इनसे पूछताछ की गई तो जवाब नहीं दिया, जिस पर टीम ने इन्हें गोल्ड तस्करी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि ये युवतियां पहले भी जयपुर में गोल्ड की सप्लाई कर चुकी हैं। ये किसके लिए गोल्ड लेकर आ रही थी, इसे लेकर कस्टम अफसर युवतियों से पूछताछ कर रहे हैं। संगरूर लोकसभा उपचुनाव की हार के बाद पंजाब में आपने पार्टी का विस्तार किया है, जिसमें 5 स्टेट सेक्रेटरी गुरदेव सिंह, डॉक्टर सनी आलूवालिया, शमिंदर शिंदा, राजविंदर कौर थियाड़ा और अमनदीप मोहाली बनाए गए हैं। नील गर्ग, मोहन लाल, हरचरण सिंह संधू, प्रिंसिपल प्रेम कुमार, करतार पहलवान और गुरपाल सिंह को स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। राजीव मसीह स्टेट इवेंट इंचार्ज होंगे। मालविंदर कंग को श्री आनंदपुर साहिब और शरणपाल मक्कड़ को लुधियाना का लोकसभा इंचार्ज बनाया गया है। बाड़मेर जिले में लाखों रुपए के लेन देन में मिल रही धमकियों से परेशान एक रिटायर्ड फौजी ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। उसका शव एक होटल में मिला। इससे पहले फौजी ने सुसाइड नोट लिखकर उसे व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था। नोट में फौजी ने 6 लोगों पर धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार गांव करड़ दांता रामगढ़ सीकर निवासी 40 वर्षीय किशोर सिंह शेखावत बाड़मेर की रिफाइनरी में सिक्योरिटी गार्ड थे। बीते 2 माह से वह स्टेशन रोड स्थित कृष्णा होटल में रह रहे थे। फौजी के बेटे 16 वर्षीय दिग्विजय सिंह
ने व्हाट्सएप स्टेटस देखा। इसके बाद सुसाइड नोट का पता चला। किशोर सिंह के भाई राजपाल सिंह ने कहा कि 9 लाख रुपए के लेन देन की वजह से भाई परेशान थे। रुपए देने वाला भगवत सिंह पूरे परिवार को धमकियां दे रहा है, पूरे परिवार को जेल भिजवाने की भी बात कही है। कोतवाली पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सवाईमाधोपुर जिले के खंडारा रोड पर पंथ के पास जीप और बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर से युवक अशोक बैरवा की मृत्यु हो गई। ग्रामीण महेंद्र माली, अनिल मनोज आदि ने बताया कि 22 वर्षीय अशोक बैरवा तेज गति से अपनी बाइक पर सवाईमाधोपुर की ओर जा रहा था। सामने से तेज गति से जीप आ रही थी। जीप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार अशोक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर कांस खंडार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने बताया कि 28 अप्रैल को बैरवा समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में युवक की शादी हुई थी। 2 माह बाद ही नवविवाहिता विधवा हो गई, जिससे पूरे इलाके में शोक का माहौल है। बीकानेर जिले में पिछले दिनों कंवरसेन लिफ्ट में डूबने से जिस बच्चे की मौत को सामान्य एक्सीडेंट माना जा रहा था, उसी मामले में अब हत्या की धारा के साथ FIR दर्ज हो गई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि 4 जनों ने मिलकर हत्या कर दी। आरोपियों ने 3 श्रीगंगानगर के हैं, जबकि 1 अर्जनसर निवासी है। मृतक सेठाराम के पिता संतलाल ने आरोप लगाया है कि सेठाराम मोबाइल की दुकान पर काम करने के लिए गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। घर नहीं लौटा तो उसी दुकान पर पूछताछ की तो पता चला कि कुछ लोग उसे जबरन ले गए। 9 जुलाई को इन्हें 4 जनों से पूछताछ की तो इन्होंने कोई जानकारी नहीं होना बताया। वहीं उसका शव 10 जुलाई को ही कंवरसेन लिफ्ट में तैरता हुआ मिला। अर्जनसर के विनोद जाट, सूरतगढ़ के परमजीत अनमोल और शेर सिंह जट सिंह पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अब तक भी 10वीं व 12वीं का परिणाम जारी नहीं किया है। 12वीं का परिणाम नहीं आने से कॉलेजों का सेशन देरी से शुरू होगा। वहीं 10वीं के परिणाम में हो रही लेट लतीफी के कारण 11वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू नहीं हो पा रही है। 11वीं में ही छात्र विषयों का चयन करते हैं, इसका आधार 10वीं के नंबर ही होते हैं। अब छात्र रिजल्ट और विषय के बीच फंस गए हैं। CBSE के टर्म 2 की परीक्षाएं काफी समय पहले ही पूरी हो गई हैं। जिस हिसाब से कॉपियों की जांचने का काम चल रहा है, उसे देखते हुए परिणाम अब तक जारी कर दिया जाना था। उधर CBSE ने परिणाम की तारीख भी तय नहीं की है। वहीं 11वीं का सेशन देरी से शुरू होने पर शिक्षकों पर कोर्स जल्द पूरा करवाने का दबाव रहेगा, इसका भी सीधा असर छात्रों पर पड़ेगा। अजमेर में टेलीग्राम आईडी हैक कर दोस्तों को मैसेज भेजकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। ऐसे में पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ क्रिश्चनगंज थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में नर्सिंग इंचार्ज है। करनी कुंज जीवन मंदिर कॉलोनी लोहागल अजमेर निवासी संदीप संधू ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी टेलीग्राम आईडी मोबाइल नंबर से हैक कर ली और उसके द्वारा इसका निरंतर उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों के पास चाइनीज लैंग्वेज में मैसेज पहुंच रहे हैं। इसकी सूचना मिलने पर उसे पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच ASI कुंभाराम को सौंपी है।